सेना की भागीदारी तो हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही इसकी शुरुआत की थी। यह रिकॉर्ड बोल रहा, भारत सरकार का रिकॉर्ड, सुब्रमण्यम स्वामी जो अभी बीजेपी में है उनका बयान कल का। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है जो मैंने आप उसका खुला कर दिया। आरोप प्रत्यारोप तो मैं लगा दूंगा, आप लगा दोगे, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो शुरुआत इस देश में अगर किसी ने की थी देश आज़ादी के बाद, तो राजीव गांधी जी ने की। ये रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सवाल इस बात का विचार कैसे आया, हमने यहीं पर राम मंदिर हमारे गांव में बनाया, बजरंगबली का मंदिर, ये घर के बाहर अगर जाएंगे तो हमारे बाप दादा ने बनाया, फिर बाद में इसका रिनोवेशन नया तोड़कर पटेल परिवार ने, पिताजी श्री ने बनाया, जो तैयार किया हुआ ये शायद 10-12 साल हुए होंगे इस अंदाजा, इसके पहले भी हमने ही बनाया था। तो माँ दुर्गा देवी का मंदिर बनाया, तो धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बंधु हमेशा हम रहे हैं और जुड़े रहे। तो ये देश की आस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए राम मंदिर पर हमने कुछ न कुछ देने का फैसला लिया। मंदिर जो बनने जा रहा है, मैं समस्त देशवासियों को अयोध्या के राम मंदिर, भव्य राम मंदिर पर हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ। साथ ही पूरे देश की सहमति से अगर ये बन रहा है तो ये अगर विश्व में अगर हम बात करें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इतना बड़ा निर्णय हो रहा है, और इसके लिए मैं सब देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही राम मंदिर हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, इसमें देश का भी और हमारा भी, हमारे आराध्य देव अगर है तो राम है, इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। तो निश्चित ही इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो कल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शायद कल बयान दिया हुआ आप सबके माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमने सोशल मीडिया में देखा, संभवतः 86 में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मंदिर में ताले खुलाकर दर्शन चालू कराए थे, और चालू कराने के साथ पूजा पाठ भी चालू की। इसी के बाद फिर 89 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ही देश में राम राज्य की बात कही थी, और सबसे पहली सभा देशव्यापी अगर दौरा किया था तो वो, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वो अयोध्या से ही शुरू हुआ था, और उसी के बाद दूसरा एजेंडा था कि देश में पंचायती राज लागू हो, राम राज्य हो और पंचायती राज लागू हो। इन इशू को लेकर उन्होंने देशव्यापी दौरा भी किया था, दुर्भाग्य से वो आज इस देश में नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पूरी डिटेल बात कही कि शुरुआत अगर की थी तो उनने, और वो होते तो शायद मंदिर कब का बन गया होता। लेकिन आज भी बन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला दिया और फैसला भी तथ्यों के आधार पर दिया गया, तो मैं इस अवसर पर देशवासियों को पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं। और साथ ही जब राम सेतु बना था, अयोध्या से लेकर लंका पर, जब राम जी ने वनवास काटने के बाद लंका पर चढ़ाई की थी तो सेतु बनने की बात आई थी।